ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं दशहरा स्पेशल कालचक्र। तो आज दशहरा है और ऐसे में आज कालचक्र पर पंडित सुरेश पांडे जी आपको वो 20 आसान अचूक और असरदार उपाय बता रहे हैं जिससे मिलेगा आपको विजयी भवह का आशीर्वाद। अपनी चर्चा को चलिए अब आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं वो महा उपाय जिसे दशहरे के दिन करने से मिलेगी अच्छी सेहत, घर में सुख शांति आएगी और धन लाभ भी होगा। पंडित जी, ऐसा कौन सा उपाय करना है? देखो, अगर आपके जीवन में धनाभाव महसूस हो रहा है, धन की कमी महसूस हो रही है, वैसे तो कोई ऐसा संसार में नहीं है जिसे धन से संतुष्टि जल्दी मिलने वाली हो, क्योंकि संतुष्टि अगर मिल सकती है तो सिर्फ प्रभु प्राप्ति के बाद ही मिल सकती है। भोगों से संतुष्टि ना आज तक त्रिलोकी में किसी को मिली है ना आपको मिलेगी। जो भोग जितना ही आप भोगेंगे उसके उतना ही ज्यादा भोगने की और भूख आपकी बढ़ती जाएगी। वो किसी प्रकार का भोग हो, ठीक है, चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई कामना हो या किसी प्रकार की मनोकामना है। लेकिन अगर जरूरत के लिए भी पैसे नहीं हैं, बीमारियों पर खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, घर में भोजन के लिए भी धन नहीं है, देवी देवताओं की पूजा आराधना के लिए भी पैसा नहीं है, तब आपको चाहिए कि आप दशहरे के दिन अपने माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाएं। लेकिन पहले ये केसर और चंदन का तिलक अपने माथे पर न लगाकर पहले भगवान श्री राम को लगाएं, माता जानकी को लगाएं, लक्ष्मण जी को लगाएं, हनुमान जी को लगाएं, उसके बाद अपने माथे पर लगाएं। और भगवान को अनामिका उंगली से लगाएं और अपने माथे पर अंगूठे से लगाएं। और रोज ही आपको राम दरबार की पूजा करनी चाहिए और गुरुवार को विशेष रूप से राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। घर की दक्षिण दिशा में अगर वास्तु दोष है, वास्तु दोष कैसा, घर की दक्षिण दिशा में कोई गड्ढा है या कोई पानी का तालाब है या दक्षिण दिशा से नदी बह रही है या दक्षिण दिशा नीची है, तो ये सब वास्तु दोष है, या दक्षिण दिशा बहुत खुली हुई है, तो ऐसे में घर में लड़ाई झगड़े होने, गुस्सा बढ़ने के संकेत मिलते हैं। ऐसे में आज दशहरे पर घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए दक्षिण दिशा में आप राम दरबार स्थापित कर सकते हैं। घर में सुख शांति के लिए दशहरे पर राम दरबार की घर में स्थापना करके राम रक्षा स्त्रोत का हर रोज पाठ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूजा करने वाला जो राम दरबार होगा आपका, वो आपके ईशान कोण में ही होगा, पूजा स्थान में ही होगा। जिनके सामने आप बैठकर रोज राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करेंगे या विष्णु सहस्र नाम का पाठ करेंगे। आज दशहरे पर समी और अपराजिता के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। शत्रुओं पर कानूनी मामलों में सफलता पाने के लिए आज विजय मुहूर्त में दिन में 2:03 से 2:49 तक जो मुहूर्त है उसमें अपराजितायै नमः इस मंत्र का 108 जप कर लेना चाहिए। और दशहरा पर हो सके तो सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। घर में इसकी कथा कराने से शारीरिक मानसिक रोगों में आराम मिलता है। आज घर के सभी सदस्यों को साथ बैठकर अपने बेडरूम से रामचरित का मानस का पाठ करना चाहिए। और कुछ देर तक क्या करना चाहिए, राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। भैया, आप इस मंत्र को अगर पूरा परिवार बैठ करके और घड़ी के समय से 12 मिनट कर लीजिए तो मैं कैसे कहूँ, अपने हृदय को चीर के नहीं दिखा सकता। लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि आपके घर में भले नमक रोटी रहेगी लेकिन कलह नहीं रहेगी। सुख और शांति के साथ सब लोग सोएंगे और हंस करके एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, कलह आपके घर से चली जाएगी। जिस घर में नित्य राम नाम का संकीर्तन होता है, जिस घर में नित्य प्रभु की चर्चा होती है, उस घर में कभी किसी प्रकार का विषाद और किसी प्रकार के कलह की संभावना रह ही नहीं जाती है। राम नाम मणि दीप धरि, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरौ जौ चाहौं उजियार। राम नाम का मणि रूप दिया अगर आप अपने जीभ पर रख लें, तो दिया मत रख लीजिएगा, राम नाम रखिएगा, समझ रहे हैं। तो तुलसी भीतर बाहर हो,
अगर अपने बाहर और अंदर दोनों तरफ आप प्रकाश चाहते हैं तो आप राम नाम को अपने जीवा पे रख लीजिए। यही बात श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय में माता देवहूति कहती हैं भगवान कपिल से, यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर तुम्हारा नाम शोभित होता है उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम सुशोभित होता है वो सब प्रकार के पापों से, सब प्रकार के दुखों से, सब प्रकार के कष्टों से निवृत्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, क्योंकि दशहरा है तो ऐसे में जो शत्रु है उसके विनाश का दिन आज का दिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कोई एक उपाय, जो बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं किन्हीं न किन्हीं किसी की वजह से, किसी एक खास शत्रु की वजह से सीधा, ऐसे में आज उनके लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? देखो बेटा, पहला उपाय तो ये बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ रामचरितमानस की बात करें तो प्रभु श्री राम ने सबरी से कहा है, सातव मोहि सम मय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। अपनी सातवीं भक्ति बताते हुए प्रभु कहते हैं कि हे सबरी, सातव मोहि सम मय जग देखा, मेरे ही समान इस पूरे संसार को तुम देखो, ये मेरे ही जैसा ये पूरा संसार है, सभी संसार के जीवों में तुम मुझको ही देखो। मोते अधिक संत करी लेखा, और जो मेरी साधना उपासना के मार्ग में लगे हुए हैं, जो सतत हमारे चिंतन में लगे हुए हैं, उनको मुझसे भी ज्यादा सम्मान करो। सातव मोहि सम मय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। अब दूसरी बात क्या मानस में आती है, भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहिं जगत, कहीं सन करहिं विरोध। इसका अर्थ ये होता है कि हे पार्वती, जो श्री राम के चरणों के अनुरागी हैं, विगत काम मद क्रोध, जिसके मन में से कामनाएं, मद माने अहंकार घमंड और क्रोध, ये तीनों चीज समाप्त हो चुके हैं, और राम के चरणों में जिनकी रति है, ऐसे लोग निज प्रभुमय देखें जगत, वो पूरे संसार को, जगत माने संसार को, निज प्रभुमय अपने प्रभु का ही स्वरूप समझ करके देखते हैं, तो कहीं सन करें ही विरोध, तो अब किससे विरोध करें, जब पूरा संसार ही उनके प्रभु का स्वरूप है तो किससे वो विरोध करें। अब इसी बात को गीता में आ जाइए, 12वें अध्याय का गीता में 13वां श्लोक है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। भगवान कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, आप आंख बंद करिए सोचिए, क्या इस संसार में मेरा कोई दुश्मन है? यहां जवाब आना चाहिए नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च, क्या मैं अपने समानता के लोगों के साथ मैत्री व्यवहार करता हूं? यहां जवाब आना चाहिए हाँ। और क्या मैं अपने से दीनहीन निर्बल दुर्बल लोगों के ऊपर दया करता हूं? तो यहां जवाब आना चाहिए हाँ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो, क्या मैं किसी मोह से ग्रस्त तो नहीं हूं कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, ये मेरा मैं ये अपना। निर्ममो, किसी तरह का मोह न हो। निरहंकार, किसी तरह का अहंकार न हो, न ज्ञान का, न बुद्धि का, न बल का, न पैसे का, न रुपये का, न यौवन का, न जाति का, न कुल का, किसी तरह का अहंकार हो। निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी, सुख हो या दुख, दोनों में समान रूप से आचरण करने वाला जो है वही मेरा भक्त है, वही मेरा प्रिय पात्र है। तो कहने का मतलब यह है कि अज्ञानता बस ही शत्रु पैदा होते हैं, और ये मनोकामनाओं का सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। अगर मन को आपने जीत लिया ना, तो आपका कोई शत्रु संसार में हो ही नहीं सकता। मन चोरी करवाता है, मन झूठ बोलवाता है, मन बलात्कार करवाता है, मन मतलब कि डाका डलवाता है, मन हत्या करवाता है, मन ही सारे प्रकार के मतलब कि कुकर्म को करवाता है। अगर मन आपका ठीक हो जाए, मन आपका सध जाए, मन आपका सात्विक हो जाए,
काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर इन छओं के प्रभाव में आपका मन अगर न रहे तो संसार में आपका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। संसार में कोई आपका दुश्मन हो ही नहीं सकता। अगर संसार आपको दुश्मन मानता हो तो भी आपको संसार का दुश्मन अपने को नहीं मानना चाहिए। आपको निज प्रभु में देखें जगत कहिंसन करें विरोध, ये भावना करनी चाहिए। बाकी की काम आप प्रभु पर छोड़ दीजिए, वो संभाल लेंगे। करूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी, सोई अनन्य जाकर अस मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वाम भगवंत। तो कहने का मतलब यह है, पहले हमारे अंदर सरलता सहजता आनी चाहिए। और रही बात, अगर नहीं कोई सुधार में आ रहा है तो उसको भगवान सुधार कर देंगे, लेकिन अपने से ठीक रखना चाहिए, बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। हाँ, आज दशहरे का दिन है, शत्रु बाधा से निवृत्ति पाने के लिए अनायास शत्रु आपको परेशान न करें, इसके लिए आज शस्त्र पूजा कर लेनी चाहिए और राम जी की पूजा के साथ साथ देवी दुर्गा की भी आराधना कर लेनी चाहिए। शस्त्र तो सब लोग रखते नहीं है पंडित जी, लेकिन रखना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में देवियों के आठों हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, जिन्हें आप महिला कहते हैं। अगर वो हमारी देवियाँ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं तो हम तो पुरुष हैं, हमें तो घर में अस्त्र शस्त्र रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो किचन में जब कुत्ते बिल्ली आ जाते हैं तो महिलाएं बेलन से भगाती हैं, ये कितने दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है। अस्त्र शस्त्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अस्त्र शस्त्र रखना सनातन धर्म की मर्यादा है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। अस्त्र शस्त्र रखना चाहिए, इसीलिए विधान है शस्त्र विधान का। अब आइए एक बार फिर राशियों की चर्चा करते हैं। कर्क राशि के जातक, आज दशहरे पर कर्क राशि वाले कैसे करें प्रभु श्री राम की उपासना, क्या लगाएं उनको भोग जिससे आपकी भी हर मनोकामना हो पूर्ण। पंडित जी, कर्क राशि। कर्क राशि के जातक आज राम मंदिर में मेवे की बर्फी और नारियल का भोग लगाएं, श्री राम रक्षा स्त्रोत और रामाष्टक का पाठ करें। विधिवत पूजन करने के बाद आज जो भी काम करना हो अगर दो से आप शुरू करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है सिंह राशि के जातकों की, दशहरे पर सिंह राशि वाले कैसे करें प्रभु श्री राम की उपासना, क्या लगाएं उनको भोग ताकि आपकी भी इच्छाएं पूरी हो। पंडित जी, देखिए सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आज तक आपने राम दरबार का चित्र नहीं लगाया है तो आज जरूर ले आइए विजय मुहूर्त में राम दरबार का चित्र, और अपने घर के पूजा स्थान में ईशान कोण में स्थापित करिए। या अगर घर में है राम दरबार तो उनकी पूजा करिए और किसी राम जानकी मंदिर में जाइए और वहाँ जितनी आपकी श्रद्धा हो सके वहाँ अच्छे से पूजा करिए। और राम मंदिर में हो सके तो बेल चढ़ाइए, गुड़ चढ़ाइए, गुड़ की मिठाइयाँ बनी हुई चढ़ाइए और वहीं मंदिर में बैठ करके सुंदर कांड का पूरा पाठ कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए नव है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और जैसा पंडित जी ने कहा, प्रभु श्री राम तो हर परेशानी हर ही लेते हैं, लेकिन राम भक्त हनुमान हर संकट से हमें पार लगाते हैं। ऐसे में आज आपको विजयदशमी में राम दरबार के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए ये जान लेते हैं। और कितनी अनिवार्यता है पंडित जी आज के दिन हनुमान जी को भी पूजे जाने की। हनुमान जी अगर प्रसन्न हो जाए तो राम जी तो अनायास प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसीदास जी को पहले हनुमान जी मिले थे, तब हनुमान जी से तुलसीदास जी ने प्रार्थना किया मुझे प्रभु से भेंट करवाइए, तो हनुमान जी ने कहा चलिए चित्रकूट वहीं भेंट कराएंगे। तो चित्रकूट पर तुलसीदास जी वहाँ नदी के किनारे बैठ करके गोदावरी के और चंदन घिसते थे, और राम जी और लक्ष्मण जी आते थे चंदन लगा के चले जाते थे। बाद में हनुमान जी आते थे, कहते थे आज आए थे आपने देखा नहीं। कहें मुझे कैसे पता चले कि वो किस रूप में आते हैं। कहें अच्छा कल मैं बताऊँगा आपको। तो दूसरे दिन जब चंदन घिसे वो उन्हें चंदन लगाना हुआ तब बोले चित्रकूट के घाट पर भई संतन कई भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दें ही रघुबीर। पहचान लिया तुलसीदास जी ने प्रभु के दोनों स्वरूपों को पहचान लिया। तो कहने का मतलब अगर राम तक पहुंचना है तो हनुमान जी पहली सीढ़ी हैं। बिल्कुल, अगर आप इनको मना लिए तो आप समझ लिए कि राम के कक्षा में आपका प्रवेश मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। तो और दशहरे पर, दशहरे पर आज अगर आप शिव दुर्गा मंदिर में जहां कहीं भी आप जा रहे हैं हनुमान जी की मूर्ति अगर हो तो उसकी पूजा जरूर करिएगा।
हनुमान जी को सिंदूर और चांदी के वर्क वाला चोला चढ़वाइएगा। सिंदूर, लाल चंदन, लाल अक्षत, लाल कपड़ा और जनेऊ चढ़ाकर हनुमान जी की पूजा करिएगा। चने के आटे से बने पकवान भोग लगाइएगा। एक नारियल पर सिंदूर लगाकर उस पर कलावा लपेटकर हनुमान जी के चरणों में भेंट करिएगा। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करिएगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इस चौपाई का भी कुछ बार पाठ कर लीजिए। घर में गूगल का धुआं कर लीजिए। 10 छोटी बत्तियां दीपक में डालकर गाय के घी के साथ दीपक जलाइए। हनुमान जी की कपूर से आरती करिए। निश्चित रूप से जीवन दिव्य हो जाएगा। और जानते हैं, सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अरे हनुमान जी ने भगवान राम का नाम लेकर के प्रभु श्री राम को अपने अधीन कर लिया है। आप भी अगर चाहते हैं कि हनुमान जी आपके साथ हों, प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर बरसे, तो आप कुछ भी करते रहिए, अपने मन में राम राम कहते रहिए। ये कोई नहीं आपके ऊपर टैक्स लगाएगा कि आपने मन में राम राम क्यों कहा। आप मन में कहते रहिए, नहीं तो अंतिम समय में तो राम नाम सत्य है तो कहा ही जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आज दशहरे पर कन्या राशि वाले कैसे करें प्रभु श्री राम की उपासना और आपको क्या भोग लगाना है ताकि आपकी भी मनोकामनाएं जल्द से जल्द हो जाए पूर्ण। पंडित जी, कन्या राशि के जातक आज दशहरे पर अगर श्री राम का चित्र है तो सुगंधित चीजें अर्पित करें। तुलसी के पत्ते, नाशपत्ती का भोग लगाएं। श्री राम मंगला सहस्रनाम का पाठ करें। तुलसी की माला अगर आप प्रभु श्री राम को समर्पित करें तो इससे जितना प्रसन्न होते हैं वो उतना दूसरी किसी वस्तु से नहीं। तुलसी कोई खाने की वस्तु नहीं है। तुलसी राम कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने की वो वस्तु है कि अगर उन्हें आभूषण के रूप में तुलसी धारण करा दी जाए तो बस सुख का आनंद ही कुछ नहीं पूछना है। शुभंग आपके लिए एक है, शुभरंग आपके लिए हरा है। जय माँ विंध्यवासिनी। और तुला राशि वाले जातकों को भी हम ज्यादा इंतजार नहीं करवाते। विजयादशमी पर तुला राशि वाले कैसे करें प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना, आपको क्या उनको भोग लगाना है जिससे आपकी भी इच्छाएं हो पूर्ण। पंडित जी, देखिए तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज दशहरे पर भगवान राम को चंदन का बढ़िया मलयागिर चंदन केसर के साथ घिस करके तिलक लगाइए और प्रभु श्री राम की विधिवत पूजा करने के बाद कलाकंद और सेब का भोग लगाइए। राम प्रेमाष्टकम का पाठ करिए। शुभंग आपके लिए सात है, शुभरंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज जब दशहरा है तो आज के दिन कौन सा पौधा लगाने से मिलेगी आपको तरक्की और होगी आपकी उन्नति, साथ ही दशहरे के दिन कौन सा दान दिलाएगा आपको मान सम्मान, क्योंकि इसका भी असर पड़ता है पंडित जी। ऐसी कौन सी दो चीजें, दोनों में ही दान और कौन सा पौधा? देखो, दशहरे से शरद पूर्णिमा तक चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है जो शरद पूर्णिमा के दिन अपने चरम पर होता है। ऐसे में दशहरे से शरद पूर्णिमा तक हर दिन रात के समय 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के आगे त्राटक यानी बिना पलक झपकाए एक टक चंद्रमा को देखने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के आँखों में बीमारी हो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। इससे आँखों से जुड़ी समस्या में आराम मिलेगा, चंद्रमा मजबूत होगा। और विजयदशमी के दिन नाग केसर का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करते रहें। मान्यता है कि जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता जाएगा आपकी वैसे वैसे उन्नति भी होती रहेगी। आज दशहरे के दिन किसी धार्मिक स्थान में गुप्त दान भी करना चाहिए, ऐसा करने से मान सम्मान में वृद्धि होगी। दशहरे के दिन 1.25 किलो जलेबी भैरव मंदिर में भोग लगाएं, जीवन से हर संकट दूर होंगे और सफलता भी मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और आज दशहरे पर वृश्चिक धनु और मकर राशि वालों को श्री राम की कैसे पूजा करनी चाहिए ये जानेंगे हम पंडित जी से, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दशहरा स्पेशल कालचक्र।